मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोग कक्षा 12वीं के फिजिक्स के टॉपिक समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित, कह रहा है कि ऐसा पृष्ठ घनत्व क्या हो जो समान हो और उसके निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित। कैसे? धन तथा ऋण आवेशित समांतर प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। कैसा भाई, कंडीशन क्या है? कह रहा है कि समान पृष्ठ घनत्व के निकट, यहाँ पृष्ठ घनत्व क्या है? समान है, देखिए, स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए हम देखते हैं क्या करते हैं। मानते हैं दो अचालक प्लेटें एक दूसरे के निकट व समांतर स्थित हैं। दो प्लेटें हैं, ठीक है ना, जो कि क्या है भाई, निकट और समांतर है। प्लेट फर्स्ट पर धन आवेश है, क्लियर दिख रहा है आपको, तथा प्लेट सेकेंड पर ऋण आवेश है, सेकेंड लिखा गया है, इस पर धन आवेश दिख रहा है ना, इस पर ऋण आवेश है। दोनों की पृष्ठ पर आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका भी पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा है और इसका भी सिग्मा है। माना प्लेटों के बीच स्थित बिंदु पर और प्लेटों के बाहर स्थित किसी बिंदु के ऊपर, प्लेटों के बीच स्थित बिंदु P पर, बीच में है ना इसके बिंदु P पर तथा बाहर बिंदु Q पर, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। बीच में बिंदु P पर और बाहर बिंदु Q पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आवेशित अचालक प्लेट के कारण तीव्रता, पहले हम लोग पढ़े हैं इससे पहले, तो आवेशित अचालक प्लेट के कारण तीव्रता क्या होती है, E इक्वल सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो, ये फॉर्मूला होता है, पहले वाले डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे, E इक्वल सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो। प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E1 मान लेंगे, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और प्लेट सेकेंड के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो, तो इक्वेशन एक फर्स्ट बन जाएगा, E1 इक्वल सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो फर्स्ट, और सेकेंड बन जाएगा E2 इक्वल सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। चूँकि दोनों की वैल्यू E1 व E2 का इक्वल है, बराबर है, इसलिए जो परिणामी तीव्रता होगी, ठीक है ना, E इक्वल हो जाएगी E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों क्या है, समान है, तो जुट जाएंगे, तो E1 प्लस E2 समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। अब E इक्वल क्या कर देंगे भाई, तो फर्स्ट में E1 की वैल्यू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, अब जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा E इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो, ये दोनों को E इक्वल, ये E1 प्लस E2 कितना आ जाएगा। कह रहा है कि यदि बिंदु Q प्लेट के बाहर स्थित हो, जैसे डायग्राम हम देखे हैं, बिंदु क्या है, बिंदु Q प्लेट के बाहर स्थित है, तो E1 इक्वल सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो प्लेट से दूर होगी, कौन, E1 इक्वल सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो प्लेट से क्या होगी, दूर होगी, तथा E2 इक्वल सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो प्लेट सेकेंड की ओर होगी, ये E1 इक्वल सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो
क्या होगी, ब्रेकफास्ट से दूरी की ओर तथा ई टू इक्वल सिग्मा बाई 2.0 प्लेट सेकेंड की ओर होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि ई वन और ई टू विपरीत दिशा में है, ई वन का डायरेक्शन दूसरी दिशा में है और ई टू का दूसरी दिशा में है, अतः ई इक्वल ई वन माइनस ई टू इक्वल जीरो बाहर। तो कह रहा है कि दो विपरीत आवेशित समतल अचालक प्लेटों के बीच, दो विपरीत आवेशित समतल अचालक प्लेटों के बीच स्थान में विद्युत क्षेत्र सभी स्थानों पर एक समान होता है, सभी स्थानों पर होता है एक समान होता है, और प्लेटों के बाहर, बीच में तो सभी स्थानों पर एक समान होगा और प्लेटों के बाहर सभी स्थानों पर शून्य होता है। ठीक है ना, कारण कि बीच में सभी स्थानों पर एक समान होगा तथा बाहर सभी स्थानों पर शून्य होता है। थैंक्स।